सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 71वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 48वीं है। आपको पता ही होगा, पहले भी बताता आया हूँ, कि यह भगवान भैरव का भगवती भैरवी के साथ संवाद है। इसमें भगवती भैरवी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसका भगवान भैरव ने साधना के अर्थ में उत्तर दिया है, अर्थात यह ध्यान सूत्र है। ध्यान योग की अनुपम रचना है यह विज्ञान भैरव तंत्र। तो अब इसके 71वें श्लोक में क्या बताया गया है यह देखते हैं। जगधीपान कृतोल्लास रसा नंद विजृंभणात भावयेद भरितावस्था महानंदस्ततो भवेत। अर्थात जैसे कि हम जब बहुत प्यासे होते हैं तब पानी पीते हैं तो तृप्ति महसूस होती है। कहाँ तृप्ति महसूस होती है उसका पता लगाओ, उसको अनुभूत करो, फील करो। हमारी किस किस नस नाड़ियों की पूर्ति हो जाती है तो उसका पता लगाना है। हमारी कोशिकाएं कैसे तृप्त होती हैं। उसी तरह से जब हम भोजन करते हैं या बहुत भूखे रहते हैं भोजन करते हैं तो एक तृप्ति, एक उल्लास रस। तो यहाँ जो रस है उस भोजन का रस और हमारे भीतर जो रस ज़्यादा जाता है वहाँ से जो तृप्ति हमें होती है, हमारे सूक्ष्म नाड़ियों को तृप्ति होती है, हमारे स्थूल शरीर को तृप्ति होती है, हमारे मस्तिष्क को तृप्ति होती है। और उसमें जब जब ये तृप्ति होती है तो क्या होता है, शरीर में उल्लास छा जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में जानते ही हैं आप कि एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है। जब हम लोग तृप्त होते हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन प्रोटीन निकलता है, एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है। उसके कारण क्या होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद महसूस होते, सुखानुभूति होती है। तो जो सुखानुभूति होती है तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिस समय खा रहे हो उस समय इतना लीन होके खाओ। ये नहीं कि कुछ लोग खाते समय बकवास कर रहे हैं, इससे उसे बात कर रहे हैं, तो कुछ रेडियो देख सुन रहे हैं, तो कोई टीवी देख रहे हैं, तो कुछ मोबाइल देख रहे हैं। नहीं, अब खाओ एकदम आँख बंद करके लीन होके खाओ और फिर उसकी पूरी प्रक्रिया को अनुभूत करो, कैसे जो है स्वाद बन रहा है, कहाँ तृप्ति हो रही है, कैसे आनंद रस झर रहा है जिससे हमारा शरीर जो है प्रफुल्लित हो रहा है, हमारे शरीर में आनंद का प्रवाह बढ़ गया है, मस्तिष्क में आनंद का प्रवाह बढ़ गया है। तो यही कह रहे हैं कि जब खा रहे हो तब, जब पानी पी रहे हो तब, जब भूखे हो प्यासे हो उस समय जो है जब भोजन मिलता है पानी मिलता है तो उसका जो रस है वह किस प्रकार से हम लोग को तृप्त करता है, और तृप्त करते समय जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो सुख सुखानुभूति होती है तृप्ति का, उसको महसूस करना है शांत चित्त होकर के। जैसे छोटे बहुत छोटे शिशु जो हैं आंख बंद करके दूध पीते हैं, माँ का स्तनपान करते हैं, तो आप देखिए हमें आंख बंद करके पीते हैं क्योंकि उसमें वो लीन हो गया है। तो भोजन तो एकदम ऐसा ही करना है, पानी ऐसा ही पीना चाहिए। तो कहते हैं भावेद भरिता अवस्था महानंदस्ततो भवेत। तो जब इस तरह से आप लीन हो जाएंगे तो आनंद जो है भरता चला जाता है, सुखानुभूति बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम लीन होते जाएंगे तो आनंद भरता चला जाएगा, परिपूर्ण होता चला जाएगा और हमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और इसी तरह से करते करते हम परमानंद में लीन हो जाएंगे और परमानंद की अनुभूति होगी। तो इस तरह से एकाग्रता से, ध्यान ध्यान से, समाधि में कैसे चले जाते हैं, इसी की प्रक्रिया यहाँ इन्होंने
बताइए। तो भोजन करते समय, कहने का मतलब यह है कि स्पेशल ऐसा नहीं है कि आपको बैठ करके कहीं और ध्यान करना, नहीं, यहाँ यह प्रक्रिया बताइए। खाते समय जो तुम रोज खाते हो, खाते समय ही तो बढ़िया से थोड़ा सा खा लो, खाते समय ही ध्यानस्थ होकर के खा लो। पीते हो पानी, पीते समय ही ध्यान से पानी पी लो, और उससे ही कभी ऐसा होगा कि तुम इतना लीन हो जाओगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम समाधिस्थ हो जाओगे यानी परमानंद में लीन हो जाओगे। तो यह रोज जो है अभ्यास करने का है, हमारी हर गतिविधि, चाहे हम खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ में जब हम लीन हो जाते हैं तो हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं।